जगत गुरु तन तन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले सत्संगी जन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करता पुरख दी रचना विच संसार दी कुल रचना बहुत विचित्र है। इस विचित्र रचना का विचित्र भाग मनुख। जदों इस नूं उत्तम जन्म आख्या जाता है तो उत्तमता परमेश्वर वालों इस नूं बख्शे गए गुण, सुभा, चेतना, कर्म शक्ति, समझ शक्ति, यह सारा कुछ ला के ये बाकी दे रचना वाले जीवां विच्चों इहदी उत्तमता दा महान पक्ष सामने आउंदा है। पर जो असीं मनुख श्रेणी दे विच इतिहास नूं पढ़ के आपां झात मार के देखदे हाँ तां उत्थे वी जिवें धन गुरु नानक पातशाह दे पावन पित्र बचन नासा राग दे विच जां आरंभली बाणी सब तो प्रमुख बाणी जपजी साहब विच भी आपां देखते हाँ कि गुरु पिता दे अमृत बोल ने रंगी रंगी भंती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। यह सब परमेश्वर दी रचना दी अनेकता है। परमात्मा एक है तो उहदी रचना विच अनेकता है, भिन्नता है। ये भिन्नता मनुखी रचनावी तत्तां दे तल ते नहीं है, ये कर्म दे तल ते, सुभा दे तल ते, रंग दे तल ते, शरीरक आकार दे तौर ते, चेहरियां दी बनतर दे तौर ते ये भिन्नता साढ़े सामने प्रतख। तो जो इस रचना भागों वाले गुरुदेव पिता बाणी दे विच साढ़े नाल होर सांझिया करते हैं तो एक गल गुरु पातशाह जी आपां समझाते हैं कि रब की इस रचना दे विच रचे हुए जीव जंत ये इको ब्रिक्ष दे थले इकट्ठे हुए जंत ने। इन्हां दे सुभाव विच, इन्हां दे बोलन दे ढंग तरीके विच विभिन्नता है। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। तो जदों असीं मनुख नूं कर्म करदे हां देखदे हाँ तो उन्हां कर्मां दे असीं ज़्यादा वड्डे बंड विच ना पईए तां आम सधारण दी बोली विच अपने समझ लई आपां इस तरह कुछ अपने लिए समझ बनाउण दे लिए गल कर सकदे हाँ। एक ज्ञान दे तल ते जीवन वाले मनुख ने, एक अज्ञानता दे तल उत्ते जीवन वाले मनुख। आम करके असीं जदों दूजे मतां दा उन्हां दा इतिहासक वेरवा पढ़दे हाँ उत्थे वो दो शब्द जिहड़े वरतदे ने, एक वो देवता आखदे ने, दूजा शब्द वो राक्षस आखदे ने। एक देवता है, एक दैंत, उन्हें राक्षस भी कहते हैं। दैंत वधेरे प्रचलित जिहड़ा है वो दैंत है, एक देव एक दैंत। दैंत तो भाव खूंखार, डराउण वाला। आम मनुखी जिंदगी दे रोज़मर्रा सहज वाले वरतारियां तो
भिन्न जीवन कितने कितने ये भी झलक उत्थे मिल जाती है कि एक समा आता है कि ये जी वंड है इस वंड वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं इकट्ठे होकर भी कोई कर्म करते हैं उस कर्म के नतीजे विच उत्ते जा के फिर उत्थे भिन्नता दिखाई देती देवते अमृत दे अधिकारी अपने आप को बना लेंदे ने ते जिन्हां नूं दैंत आख्या जांदा है उन्हूं मदरा दे नशे दे अधिकारी उन्हां नूं नशा उन्हां दे वंड विच पा दित्ता जांदा हुण जदों गुरदेव दा जीवन पढ़दे हां ते गुरदेव दे जीवन दे अंदर जदों मनुखी समाज नाल साडे सतगुर दा वाह पैंदा है तो वाह पैंदे हां यह मनुखी कर्मां दी भिन्नता उन्हां दे रहन सहन उन्हां दे जीवन प्रगटावे दी भिन्नता यह गल सानू इतिहास दे पन्नियां तों भागां वाले तुसीं देखिया पहलां भी आपां नूं मिलदी है ती दे नाल संबंधित कुछ वार्तावां भी सानू इतिहास दे इस भंडार विच्चों जखीरे दे विच्चों मिलदी ने एक गाथा बहुत सारे इतिहासकारां ने साखीकारां ने गुरदेव पातशाह दे जीवन का हिस्सा बना के लिखी है उस साखी का उत्तरले पासे जो सिरलेख दिता जांदा है वो कौडे राक्षस का उदार ये घटना एक थां घटी जां वध थां घटी इत्थे भिन्नता है ये किसी समुद्र के तट के नेड़े तेड़े घटी जां भारत के केंद्रीय प्रदेश मध्य प्रदेश विच घटी इहदे बारे भी भिन्नता है आप साखी कर रहे हाँ आप कोई किसी तरह इस इतिहासक पक्ष तो कोई निर्णा अंकड़िया नाल नहीं करना साढ़ा मतलब तो गुरदेव की जिंदगी दी साखी चो कुछ अपने लिए तलाश करना है लभना है तो लभन के लिए सानू क्योंकि असी साढ़ा एक सारियां दा जतन है कि साढ़े घर पैदा हुए बच्चे जड़े ने उन्हां दी भी कोई गल समझ आ जाए तो आप गल की भी है ये केवल इन्हां सादा जे शब्दां च करन दा यतन कर रहे हैं कि माँ बाप नूं भी कुछ समझ पै जाए और बच्चियां दी समझ विच भी कुछ आ जाए हुण जदों इस कौडे राक्षस की जिंदगी की गाथा नूं पढ़िया जांदा है ते कुछ साखीकारां ने लिखणहारियां ने इस बारे जो थोड़ी जी गल कीती है नूं भील जाति विच्चों कह के इहदा पहचान इतिहास दे पन्नियां ते सानूं करवाई जांदी है ते जदों इहदे कर्म की गल दर्शाई जाती है तो यह कर्म जड़ा है इनू आदम खोर दे तौर पर बंदे खाण वाले दे तौर पर इहदे कर्म नू उजागर किया जाता हुण असी आम हालतों के विच जदों आम मनुख नू देखते हाँ तो इस तरह की एक साखी नू सुनते हाँ तो यह साढ़े सामने एक हैरानगी भी पैदा करता है आश्चर्यता भी आती है फिर जो आप साखी नूं सुनते हाँ वेखते हाँ तो जो कई गल्लां रमजी तौर पर सानू जिंदगी नूं समझण दे लई गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी वडत्तन महानता है उहदी झलक भी साढ़े सारियां दे सामने
आ जाती है। सो ये साखी का अगला जो हिस्सा है इनू आप अगले पड़ाव उत्ते चल के सुनांगे। आप सारी इस गल का ख्याल रखांगे ते इस मौके ते इन्नी सेवा आप सरबत ने प्रवान कर लेनी, पुलां दी खिमा बख्श देनी, सारी फतेह बुला लीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।